आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूँ, ये आपके जीवन के लिए एक ही मंत्र पर्याप्त है। जो भैरव देवता की साधना करना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये मंत्र एक कुंजी की तरह है। देखो, जब हम भैरव महाराज के बारे में सोचते हैं तो हमारे मानस पटल पर ब्रह्मा जी का जो मिथ्या मुख था, उसका मर्दन करने वाले भैरव महाराज का एक चित्र आता है, जिसने महादेव से प्रकट होकर के जिन्होंने ब्रह्मा जी के मिथ्या मुख का दमन किया था, उसके बाद बटुक भैरव के रूप में फिर उन्होंने साधना किया और काल भैरव के रूप में आज विख्यात है। उसी में जो माया देते हैं उनको स्वर्णाकर्षण भैरव हम बोलते हैं। उसके बाद जो थोड़ा जानते हैं उनको ये पता है कि जो भैरव हैं उनका अष्ट रूप है, तो अष्ट भैरव की पूजा होती है। लेकिन जितने भी शक्तियां हैं पृथ्वी पर, उन सब का जो संगी है, सबको भैरव कहते हैं। जैसे जो माँ भगवती काली की पूजा करते होंगे, उनको पता होगा कि हम लोग आनंद भैरव की पूजा करते हैं। जितने बार काली को भोग लगता है, उतने बार जो उनके नीचे शिव लेटे हुए हैं, उनको भी भोग लगता है। तो भैरव शक्ति का मतलब होता है महादेव शक्ति, रुद्र शक्ति, उसको ही भैरव शक्ति बोलते हैं। तो एक मंत्र मैं आज आपको बताऊंगा, एक मंत्र साबर का, जो आज आप अगर कंठस्थ कर लेंगे और 9 दिन का अगर आप विधान इस पर कर लेंगे, तो इसके बाद आपको कोई भी साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, भैरव का एक मंत्र आपको मैंने पहले दिया था, क्या था? मैंने बोला था सबसे जो आसान मंत्र है भैरव का, वो जान लो। क्या था मंत्र? भैरव, तीन शब्द का मंत्र, भैरव। ये मंत्र आप लोगों में से जिसने हल्के में लिया होगा वो तो दुर्भाग्यवश है, लेकिन जिन लोगों ने इसको किया होगा उसको इसकी शक्ति का आभास होगा। भैरव आनंद भैरव का मंत्र है, मतलब जो महामाया के साथ जो आड़ूर भैरव हैं उनका मंत्र है भैरव, तीन शब्द का, ठीक है। तो इनकी साधना हम कैसे करेंगे? कोई भी, जैसे अभी नवरात्र के बाद, ठीक है, जो पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा से अमावस्या तक का 14 दिन का हम लोग संकल्प लेंगे कि हम भैरव महाराज की साधना करेंगे, ठीक है। संकल्प लेंगे कि इस 14 दिन की साधना के बाद ये मंत्र सिद्ध हो और एक माला का जो फल है वो मुझे 7 जापों में मिले। ये ध्यान से हम लोगों को जाप में बोलना है। इस मंत्र में बस एक ही चीज है कि एक ही स्थान पर आप एक ही समय तय करके इस मंत्र को आपको 14 दिन तक करना होगा। मतलब स्थान का परिवर्तन नहीं हो सकता है और साथ में समय का परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब अगर रात में 10 बजे साधना आज आप शुरू करेंगे तो आपको पूरा 14 दिन तक 10 बजे रात में ही साधना करना है, ठीक है। दूसरा विषय इसमें होता है कि ये साधना आप घर के उस कोने में करें जहां से आकाश दिखता हो, ठीक है। दिशा का बंधन नहीं है, लेकिन आकाश दिखना इस साधना में अनिवार्य है। आपके घर में बालकनी है, आपके घर में छत है, या फिर आपके घर में खिड़की है, जहां से भी आकाश दिखता हो वहीं पे इस साधना को करना है। क्या क्या सामान का प्रयोग होगा? काला वस्त्र रहेगा, ऊन का काला आसन रहेगा, ठीक है। चौमुखी दिया रहेगा भैरव जी के लिए, 3, 5, 8 जितने में आप सक्षम है उतने तरीके का तेल मिला करके आप साधना काल में जलाएंगे, ठीक है। उसके साथ गूगल का धूप देंगे, ठीक। और भोग में क्या देंगे? भोग में हम लोग भैरव जी को भैरव रोट चढ़ाएंगे। भैरव रोट क्या होता है? भैरव रोट होता है 5 तरह का अनाज, उसको उसमें गुड़ मिला करके उसको सान लेंगे और उसके बाद उसकी 5 रोटी बना करके भैरव जी को नवेद के रूप में चढ़ाते हैं, ठीक है। ये मुख्य भोग होगा 14 दिन के साधना का, ठीक। दूसरे दिन सुबह जब उठेंगे आप, रात भर तो उसको छोड़ देंगे, सुबह उठने के बाद इस भोग को आप किसी स्वान को
खिला देंगे, स्वभोग नहीं करेंगे। स्वभोग करने के लिए इस मूल भोग के साथ आपको किसी दिन दही बड़ा चढ़ा दीजिए, किसी दिन काले उड़द को सरसों तेल में तल के चढ़ा दीजिए, किसी दिन जलेबी चढ़ा दीजिए, किसी दिन दही गुड़ चढ़ा दीजिए। जो मांसाहारी है, जो मांसाहारी साधना करने में जिनको दिक्कत नहीं है, वो तली हुई छोटी मछली भैरव जी को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भैरव रोट के अलावा आप चढ़ाएंगे, इसको पूजा परांत आप भोग के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में भैरव जी की का ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। गूगल चढ़ाएंगे ही, सबसे पहले एक बरजोत या फिर एक चौकी ले लेंगे, उस पर एक हम सफेद कपड़ा रखेंगे, ठीक है, और उस सफेद कपड़े के ऊपर हम एक लाल कपड़ा बिछाएंगे। उस लाल कपड़े पर लाल रोली से हम भ्रम लिखेंगे, ठीक है, और इस भ्रम के ऊपर हम पहले एक पुष्प चढ़ाएंगे, उसके बाद रक्त चंदन से 3 बार छींटा मारेंगे, ठीक है। कैसे छींटा मारते हैं, तो रिंग फिंगर को थंब फिंगर में फंसा करके और उसके बाद रिंग फिंगर से ये छींटा मारना चाहिए। इतना करने के बाद वो जो चौमुखी दिया लिया है उसको उसके ऊपर स्थापित कर देंगे, ठीक है। स्थापित करने के बाद उसको जो गूगल है अपना, गूगल जला करके उसको दिखाएंगे और ऐसा मन में प्रण करेंगे कि भैरव देवता यहाँ है और उनको हम अभी धूप दिखा रहे हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आप मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे। मंत्र आपको 5 माला करना, जो सक्षम साधक है वो 8 माला तक इसको कर सकते हैं, 8 माला से ज्यादा करना वर्जित है। क्या मंत्र है? मंत्र है भैरव, एक साथ संयुक्त भैरव, फिर भैरव, भैरव मतलब 3 बार भैरव जी का नाम आया है, पहला बार भैरव, फिर भैरव, फिर भैरव, कालीपूत अनंत भैरव, ठीक है, कालीपूत अनंत भैरव, मिथ्यावद भैरव, सुरक्षादाता विघ्नहरत, काम परद दुष्टन ग्रासत, महाभैरव अष्ट भैरव को भ्रम 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 फट आदेश, भैरव भैरव भैरव, कालीपूत अनंत भैरव, मिथ्यावद भैरव, सुरक्षादाता विघ्नहरत, काम परत दुष्टन ग्रासत, महाभैरव अष्ट भैरव को भ्रम 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 फट आदेश। देखो इसमें जो गृहस्थ साधक हैं, जो उग्र साधना नहीं करना चाहते हैं, वो फट आदेश के बदले सिर्फ आदेश करें, ठीक है। तो ये रोज 5 माला करेंगे, अधिकतम आप 8 माला कर सकते हैं। 15वें दिन मतलब जब अमावस्या होगा, तो अमावस्या के दिन भैरव जी का आप जो है आम की लकड़ी पर आहुति देंगे, दशांश का शराब और घी मिला करके। जो ये नहीं कर सकते हैं वो लौंग और गूगल को मिला करके आहुति देंगे, तो ये साधना पूर्ण होगी। उसके बाद 7 जाप रोज करना है। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसका शुल्क 2100 रुपये है। इसमें साधना से रिलेटेड जो भी विधान आपको जानना चाहिए वो सब हम आपको सिखाते हैं। मेरे द्वारा लिखे गए लेख अगर आपको पढ़ने हैं या आगामी कार्यक्रम जानने हैं तो www.akurtantrasya.com, और डायरेक्ट अगर मुझसे बात करना है तो ऐप स्टोर प्ले स्टोर पर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ CM4 सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। भैरव आप सभी पर कृपा वर्षा, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।